करनाल की बेटी कल्पना चावला का आज 59वां जन्मदिन उनके स्कूल में उनको श्रद्धांजलि देकर मनाया गया है। आपको बता दें कि कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। करनाल की इस बेटी पर पूरे विश्व को गर्व है। वो बेटी जिसने हरियाणा के एक शहर का नाम अंतरिक्ष तक पहुंचाया, वो बेटी जिसने हरियाणा को दी इतिहास में जगह, वो बेटी जिसने परिवार, स्कूल, जिला, राज्य, देश सबका नाम विश्व में रोशन किया। 17 मार्च 1961 को करनाल में कल्पना चावला जन्मी और अंतरिक्ष परी बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ। कल्पना चावला भारत मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वहीं 2003 में दूसरी बार 41 साल की उम्र में वो दोबारा अंतरिक्ष में गई। स्पेस में 16 दिन बिताने के बाद वापस आते हुए 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला समेत कई अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला अंतरिक्ष परी कहा करती थी कि मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। ये बात भले ही सहजता से कही गई हो, एक दिन सही हो गई। करनाल से लेकर पूरे विश्व के नागरिकों में उनकी मौत के बाद आंखें नम थी। आज कल्पना चावला को उनके स्कूल में श्रद्धांजलि दी गई है, पुष्प अर्पित करके उनको याद किया गया है। 10वीं तक कल्पना चावला करनाल के टैगोर बाल निकेतन में पढ़ी थी। आज भी उस स्कूल के बच्चे स्कॉलरशिप्स लेकर नासा जाते हैं और अब तक 36 से ज्यादा बच्चे नासा जाकर वहां से काफी जानकारियां हासिल करके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि फिर से भारत की कोई बेटी अंतरिक्ष जाएगी और भारत का नाम फिर से रोशन करेगी। उनके 59वें जन्मदिवस पर पूरे टैगोर बाल निकेतन परिवार की तरफ से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और टैगोर बाल निकेतन ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने करनाल की पताका लहराई है और स्कूल में तो उनको कोई स्कूल उनका ऋणी है, उनको भूल ही नहीं सकता कि स्कूल ने उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर स्कूल को एक नई पहचान दी है। और उन्हीं की उसमें पहले तो 1 फरवरी को हमारे यहाँ 10 बच्चियों को 25-25 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दिल्ली की तरफ से, रूपा एंड कंपनी की तरफ से, कल्पना चावला अवार्ड के नाम से दी जाती है। जो भी 10वीं क्लास की 10 होनहार बच्चियाँ होती हैं, टॉपर 10 बच्चियाँ होती हैं, मेरिट की 10 बच्चियाँ होती हैं, उनको 1 फरवरी को पिछले रिजल्ट के आधार पर सम्मानित किया जाता है और 25-25 हज़ार रुपये का कैश अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद आज उनका जो बर्थडे है 17 मार्च का, आज उनको श्रद्धा सुमन पूरे स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, बच्चों की तरफ से दी जा रही है। तो और हर साल बच्चे जो अब ऑनलाइन कंपटीशन होता है नासा के लिए, क्योंकि इस बार 20 में नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, अब 21 की भी कोई भी प्लानिंग नहीं आई। अदरवाइज पिछले 19 सालों से हर साल हमारी बच्ची हैं, लड़के नासा में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। और टैगोर बाल निकेतन परिवार अपनी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उन्हें नमन करता है। तो 27 के करीब बच्चे नासा जा चुके हैं और प्रक्रिया जारी है। अभी इस साल के मैंने बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से अभी होल्ड पे है काम, तो बच्चे जा चुके हैं। और जो ये कल्पना चावला की जो स्कॉलरशिप है इसमें तो लगभग 70 के करीब बच्चों को अवार्ड मिल चुका है। शुरू में ये अवार्ड 11-11 हज़ार रुपये का था, फिर ये अवार्ड 10-10 हज़ार का 2 बच्चों को हुआ, फिर ये 15-15 हज़ार रुपये का 2 बच्चों को। अभी ये रूपा एंड कंपनी हमारी अंसारी रोड पर एक पब्लिकेशन हाउस है जो जिन्होंने राकेश शर्मा जी की भी बुक लिखी थी और कल्पना चावला की भी बुक लिखी थी, वो अचानक किसी फंक्शन में 1 फरवरी को आए थे। तो आज से 5-6 साल पहले ये डिक्लेयर कर गए थे कि आप ये बताइए किस तरह का अवार्ड होना चाहिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ना किसी तरह का डिस्प्यूट रहेगा इंटरनल या एक्सटर्नल का, जो भी स्कूल की 1st 10 स्कॉलर लड़कियां होंगी, जो CBSE के बोर्ड रिजल्ट में स्कूल का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि बच्चा बाहर से रिजल्ट लेके आए, तो उन 10 बच्चों के 25-25 हज़ार रुपये आप दे दीजिए। उससे एक पहचान होगी, कल्पना चावला को नमन होगा और बच्चियों को भी एक मोटिवेशन होगा कि इस तरह की जो अवार्ड से एक कल्पना चावला के नाम पर अवार्ड होगा और एक सर्टिफाइड मोमेंटो शोज वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि 1 फरवरी को हम जो भी चीफ गेस्ट बुलाते हैं, करनाल की जो भी पहली एक हायर पोस्ट की लेडी होती है उसको बुलाते हैं, जैसे इस बार मिसिज मलिक हुड्डा, जो मैडम मलिक हुड्डा हैं, वीना हुड्डा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करनाल, वो हमारी चीफ गेस्ट थी, उन्होंने ये अवार्ड दिया। और इसी तरह हर साल हम लोग पहले मेयर को बुलाया, ऐसे हर साल किसी ना किसी जो भी टॉप सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जैसे हर लड़की को 25,000 रुपीज़ देना, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये जो सभी टीचर्स हैं जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था, अब वो हमें भी इंस्पायर कर रही हैं, हमें भी उस फील्ड पर ला रही हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा कि हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कल्पना दीदी पढ़ी थी और आज वो कितनी वर्ल्ड फेमस ही हैं। तो हमें भी ऐसा मौका भगवान दे और जैसे उनको मिला है, और वो हम सब की इंस्पिरेशन है। ये तो है ही, क्योंकि इतना
नाम उन्होंने वर्ल्ड में कमाया है, हमें भी उनके जैसा बनना है और यही हमारी इच्छा है। कल्पना चावला ने 76 में हमारा स्कूल छोड़ा था, टैगोर स्कूल। मैंने 74 में ज्वाइन किया था एंड शी लेफ्ट द स्कूल इन 1976। बहुत ही होनहार बच्ची थी वो, शुरू से ही उसकी जो थी मतलब कि ऐसी आते थी कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड की थी और कुछ ना कुछ करती रहती थी। और उसने हमारे स्कूल का नाम जो है बहुत ही रोशन किया और उसके नाम पे स्कॉलरशिप भी बच्चों को दिया जाता है। उसने पहले जीते जी हमारे स्कूल के बच्चों को इन्वाइट भी किया था और आज भी जो है मतलब कि उसके नाम पर जो है हमारे बच्चों को इनवाइट किया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है और उसने हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है। जितने पुराने टीचर जो उसके समय के थे वो समय समय पर लेटर्स भी लिखती रही और उनको जो है याद करके जो है मतलब कि शुभकामनाएँ भी स्कूल को देती। आपका नाम है परमजीत। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।